नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अलवर की भिवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर। भिवाड़ी के चौपाना के औद्योगिक क्षेत्र के एक कंपनी में भीषण आग लगी। केमिकल प्लांट में लग रही भीषण आग, कंपनी के पीछे के हिस्से में भयंकर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से चौपाना की पुलिस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग वाली जगह पर रखे हैं बड़े बड़े केमिकल के टैंक। अगर समय पर आग काबू नहीं पाया गया होता तो किसी के साथ भी हो सकती थी कोई बड़ी दुर्घटना। आज जो आग लगी इसका कारण और कितने रुपए का नुकसान लगभग? कारण आग लगने का और नुकसान कितना है ये सब चीज़ें असेसमेंट करने के बाद ही पता चलेंगी। अभी तो हम लोग काबू पाए हैं आग पे और ये सब चीज़ें बाद में जब हम असेसमेंट करेंगे, ठंडा हो जाएगा तब पता चलेगा। थैंक्स। जी, अभी हमें कोई इस तरह की जांच पड़ताल करने को पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी और कितना नुकसान है। जैसे 11:37 पे आग की सूचना मिली, तुरंत 11:43 पे गाड़ी कंपनी में पहुंची, कंट्रोल करना चालू कर दिया। अदरवाइज दूसरे स्टेशन से जो गाड़ियां जैसे जैसे समय पे आती गई, आग पूरी तरह से काबू में कर ली गई। क्या बनाती है कंपनी, पता चला? ये एग्रीकल्चर के दवाइयाँ बनाती है खेती के। लगभग कितने रुपये का नुकसान है सर? सर इस बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकते, क्यों कंपनी प्रशासन से बात होगी, उसके बाद कुछ पता लग पाएगा कि आग कैसे लगी, कितना नुकसान, कितना समय लगा इस आग को। 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। 17 से 18 गाड़ियां करीब हमने कलेक्ट कर ली फायर की, जो कंटिन्यू काम करके, और कंपनी का भी अच्छा सहयोग रहा, शर्मा जी ने बहुत विशेष सहयोग दिया हमारे साथ, कंपनी आग पूरी तरह काबू। सर आप देख रहे हैं कि लगातार कंपनियों में आग लग रही है, जैसे भिवाड़ी में लगी। सर ये मौसम का एकदम बदलाव है, कंपनी एम्प्लॉई और कंपनी ओनर समझ नहीं पा रहे हैं कि एकदम से इतना हीट हो जाएगा। मौसम जैसे हीट हुआ है कंपनियों में फायर कॉल्स होने लगी है। थैंक यू सर।